Hello everyone. कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 एवरीवन हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? हेलो, हाय पूजा, कैसी हैं आप? कैसे हैं? आ गए हैं हम एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए। अच्छा, विजिबल है पूरा? मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? थोड़ा सा बताएं मुझे। हेलो हेलो अंकित, कैसे हैं? अब प्रॉपर विजिबल है? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको सही से? आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपको अभी? क्या सही आ रही है? ओके ओके, धन्यवाद। यस यस यस, और बताएं कैसे हैं आप सब लोग? अभी टाइम मिला है ये समझिए। अभी खाना पीना जो है खाके बैठा हूँ और मैंने सोचा चलिए फिर फैमिली से जो है लाइव बातें करी जाए, कुछ तो कुछ मोटिवेट किया जाए आप लोगों को जो आप घबरा के बैठे हैं, जिस चीज़ से जूझ रहे हैं उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। जो है ना, आज हम बात करेंगे कि जो है आप स्ट्रेस में रहते हैं उसको कैसे ओवरकम करें, और एक मोटिवेशन आपको मिलने वाला है आज के लाइव में। तो बढ़िया, एकदम एकदम मस्त। हाँ, मैं भी एकदम मस्त हूँ, आप बताएं? और बिल्कुल एकदम मस्त और बिंदास, एकदम ऐसे चिल रहना है, बिल्कुल भी ना टेंशन नहीं लेनी है इसके बारे में। और कौन कौन आ रहा है? अभी 3 लोग जुड़े हैं। और कौन आ रहा है? अभी 3 लोग आए हैं। 9 बजे, 9 साढ़े 9 के बीच में जो है ना, मुझे लगता है अभी मैं खाना पीना खा के बैठा था, फिर मैंने सोचा चलो भाई जो है ना फैमिली से बातें करते हैं, भाइयों से बहनों से बातें करते हैं। तो आवाज़ तो सही आ रही होगी आपको? एक्चुअली आज ने माइक नहीं लगाया है तो आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी ना आपको? चलिए चलिए ठीक है। जुड़ जाओ भाई और जल्दी, कौन कौन आ रहा है जल्दी से आ जाओ। और कैसे फियर दूर करें फ्यूचर में नए पैच ना आए? देखिए, नए पैच ना आने की तो देखिए जहाँ तक आपकी मेडिसिन वगैरह चलती रहती है तो नए पैच तो नहीं आएंगे। अगर आप मेडिसिन करते हैं, प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं तो नए पैच आपको नहीं आएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। जब हम लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं ना, हम लोग सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, और हमें ये डर बना रहता है अंदर से कि यार ये आ ना जाए आ ना जाए आ ना जाए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हमें ना कोई यहाँ पे कोई दाना निकल जाता है, कोई यहाँ पे जो है ना पिंपल्स निकल जाता है, ये पिंपल्स निकल जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं अरे यार ये पिंपल्स निकल गया यार, और ना निकल जाए और ना निकल जाए। तो सुबह आप उठ के देखोगे ना तो एक दो पिंपल्स और आपको मिल जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कियाँ जो है ना रिलेट कर पाएंगी कि उनको एक पिंपल निकला और वो डर जाती हैं कि यार और ना निकल जाए और ना निकल जाए। अब उनके माइंड सेट में हो गया यार पिंपल को लेके टेंशन हो गई। अब माइंड जो है ना वो बॉडी को फिर ना इंस्ट्रक्शन देता है उसी तरीके से। फिर पता चलता है सुबह को 2 4 दाने और निकल गए, 2 4 पिंपल जो है और निकल गए। ये
प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना वो चीज़ और बढ़ जाती है ना। तो बिल्कुल भी ना टेंशन नहीं लेना, लाइट वेट रहना है, बिल्कुल हल्का, माइंड को बिल्कुल शांत रखना है, सुबह मेडिटेट करना है, हल्का योगा करना है, प्राणायाम कीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आंखें बंद करके 15 मिनट मेडिटेशन करना है आपको बिल्कुल एकदम फोकस के साथ। और जो है आपको योगा प्राणायाम जो मैंने बताया, प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, सिंपल आपको ये करना है। अनुलोम विलोम तो जानते हैं ना आपका, ऐसे करके जो करते हैं वो यूं करके, ऐसे करके करते हैं, फिर यूं करके इस वाली नाक से हम लोग सांस छोड़ते हैं, एक बार इससे सांस लेना है और इस वाली को सांस छोड़ना है, ऐसे 10 से 15 मिनट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आप हल्का सा ऐसे स्ट्रेट ऐसे बैठ जाइएगा, और ऐसे जिसमें वो जो होता है, जिसमें आपके एक कपालभाति होती है वो जो होता है, आप ऐसे करके इसमें पेट आपके अंदर की तरफ को पुश होता है, ऐसे 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 हाथ ऐसे ऐसे रख के घुटनों पे, ऐसे पेट को अंदर की तरफ खींचना है। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले 10 से 15 मिनट ये कीजिएगा। उसके बाद ऐसे आंखें बंद करके बिल्कुल जो है तपस्वी वाली पोजीशन में, इस तरीके से बिल्कुल जैसे साधु संत हमारे जो है ना तपस्या करते हैं ना, इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल फोकस जो है बिल्कुल सामने, और ऐसे बिल्कुल लाइट वेट करके माइंड में जितने भी थॉट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो भी चल रहा है वो सब एक तरफ निकाल के एक चीज़ पे माइंड जो है ना फोकस कर लीजिएगा इस तरीके से बिल्कुल। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका जो माइंड है जो जो इधर उधर भाग रहा है, जो माइंड में आपके चल रहा है सोराइसिस को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें ना आपके दिमाग से निकल जाएंगी और सीधा मेडिटेट करेंगे 10 से 15 मिनट, 20 मिनट भी आप कर सकते हैं, सिंपल एकदम शांत चित्त। सुबह आप उठते हैं 6-7 बजे, जब भी आप उठते हैं थोड़ा सा पहले उठिएगा, ज़्यादा भी कुछ नहीं है तो बिस्तर पे ही अपने जो है बेड पे, चरपाई पे, फ्लोर पे नीचे मैट बिछा के जहाँ पे आपका मन हो सिंपल आप ऐसे बैठ जाइएगा और बिल्कुल माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको निकाल फेंकिएगा इस तरीके से। सर मैं आज मेरी मेडिसिन लेती हूँ, मुझे 1-2 दिन बाद बुखार हो जाता है वो। देखिए वो बॉडी टू बॉडी आपका ना वेरी करता है कि आपको कौन सा जो है ना सूट करता है, कौन सा नहीं करता है। तो अगर आपको बुखार चढ़ जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो रिजल्ट होम्योपैथी में भी मिल जाता है, आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक बार ट्राई कर सकती हैं, है ना। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा मेडिटेट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे आंखें बंद करके यूँ टेक ए डीप ब्रीथ, आपको लंबी सांसें लेनी है, ऐसे करके आपको छोड़ना है, ठीक है। तो उससे भी ना आपका जो कंसंट्रेट है, जो आपका मेडिटेशन है, वो जब आप इसको रेगुलर करेंगे ना 1 वीक 2 वीक 3 वीक, तो ये आपके ना रूटीन में और आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी, तो इसके ना फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा आपको करना है, जब भी आप, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ देखो, मेरा भी जो है ना वर्कआउट हो रहा है आपके साथ साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जैसे आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं बैठ के आप देख रहे होंगे, तो बिल्कुल भी मेरे साथ आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। कई ऐसे जो है ना योगा स्टेप हैं जिसके माध्यम से, जिनको करके ना आप अपनी बॉडी से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉक्सिन है वो भी रिलीज होते हैं योगा से। आपने देखा होगा योगा से जो है ना बहुत लोगों की जो ना बीमारियाँ, डिजीज, ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं योगा से। मैं आपको बताऊँ योगा से
जो सबसे गंभीर जो है ना स्टेज होती है सोराइसिस की, सोरियाटिक आर्थराइटिस जो होता है, जिसमें जो है अंग जो होते हैं हमारे, जो जो ये हाथ पैर होते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, वो ना ऐसे हो जाते हैं, और ये जॉइंट्स हमारे, ये इधर के जॉइंट्स, इधर के जॉइंट्स, ये पैर के जो नी जॉइंट्स, ठीक है, ये ना अपने आप ये आपके जकड़ जाते हैं और ये मुड़ते चले जाते हैं, ये आपके ना अकड़ते चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है जॉइंट्स में, तो वो सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है। सबसे ज़्यादा जो सोराइसिस की स्टेज होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, डेड किलर स्टेज होती है वो सोराइटिक अर्थराइटिस की। लेकिन योगा के माध्यम से वो भी लोगों को, वो भी अपना ठीक कर चुके हैं ना। तो योगा का बहुत इम्पोर्टेंस है हेल्थ को, सेहत को अपना तंदुरुस्त रखने में, अच्छा रखने में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी 3 लोग जुड़ रहे हैं यार, और लाइव को शेयर करें ताकि और भी भाई बहन जो भी हैं हमारे वो जुड़ जाएं और उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो ये है, सुबह सुबह सिंपल आप उठें, गर्म पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश हो जाएं, है ना। अगर आपको लगता है तो मॉर्निंग वॉक पे कहीं आप अपने जो है आसपास के किसी किलो, 2 किलो, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रास्ते पे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पैदल चल के, रनिंग नहीं करनी है। उसके बाद घर आके हल्का सा मेडिटेशन करें, उसके बाद प्राणायाम करें, एक दो और एक्सरसाइज करें, क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ बना रहा हूँ, तो जो बैठे से हम लोग कर सकते हैं, जो हम बैठे हुए कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आपको और अदर एक्सरसाइज में बता दूंगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। अगर आपको सोराइसिस है, मान लिया आपको काफ़ी सोराइसिस है, और वो आपका डाइट से, योगा से, एक्सरसाइज से 80-90% भी अगर आपका रिकवर हो जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हम पूरे कंप्लीट क्योर हो गए हैं, समझ लो ना। 10-5% अगर कहीं रह भी गया तो उसको हम जो है ना मानते नहीं है कि कुछ है ना। जब मेरा सोराइसिस ठीक हुआ था, तो जब मेरा 70-80-90% क्योर हो गया था, तो मुझे लगा था कि अब तो गया, अब तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल, है ना। तो जब 10-20% रह जाता, तो फिर कुछ, और जब जिसने पूरी बॉडी पे 70-80% सोराइसिस देखा हो, है ना, उसका 70-80% बॉडी का 80-90% ठीक हो गया हो, तो उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसको तो यही लगा होगा ना कि पूरा तेरा तो पूरा क्लियर हो गया, पूरा साफ हो गया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके मेडिसिन से और मेडिटेशन से, योगा से, और जी आपका ट्रीटमेंट से अगर आपका ठीक हो जाता है, 80-90% रिकवरी हो जाती है, क्योर हो जाता है, तो दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी को जो है डाइट अच्छी। सर जी अभी कोई पैचेस हैं आपको? पैचेस, पैचेस तो निशान से तो है, निशान तो है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ हल्के फुल्के नज़र आ रहे हैं, ये अभी निशान तो गए नहीं है, देखो आप देख सकते हो कितना भयंकर होगा ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये थोड़े दिख रहे होंगे, हाँ ये वाइट वाइट निशान रह गए हैं। अब इसमें ईचिंग वगैरह वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है मामला, ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा दूँ पास से, और विजिबल है आपको, दिख रहा है, हाँ ये निशान है बिल्कुल एकदम, ये बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं और वाइट है, और ये धीरे धीरे ना मैं इन पे जो है ना कुछ क्रीम वगैरह लगाता हूँ, ये सब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, समझ रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये देखिए। तो इतने हैं, ऐसे ही इस हाथ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये केवल वाइट वाइट ही जो है ना, ये देखिए, ये देखें आप, ये तो ये बस वाइट वाइट निशान रह रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कमर पे और बाकी अपना पैर पे, बाकी सब ओके है, केवल जो है ना निशान निशान रह गए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, है ना। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको भी बिल्कुल मस्त हो जाएगा। अभी जो आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, जिस स्ट्रेस में, जिस जो आपकी मानसिक स्थिति है इस वक्त, अगर आपको सोराइसिस है, तो मेरी इससे भयंकर स्थिति थी, लेकिन मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, है ना। मैंने कल के लाइव में भी बताया था, वो आपने स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, बीमारियां भी चलती रहती है, वो बंदा 90
परसेंट डिसेबल था, मतलब उसके हाथ पैर पूरा डिसेबल था। आपने सुना होगा वो फिजिक्स में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, है ना, कोई अंग्रेज है वो जो व्हील चेयर पे चलता था, वो उसके हाथ गले में वो उसके माइक लगा हुआ था, वो व्हील चेयर पे अपने सारे काम करता था। उसने फिजिक्स की इतनी बड़ी बड़ी थ्योरी और इतने इतने बड़े इक्वेशन दे दी फिजिक्स में, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज दे दिए, समझ रहे हो। और वो जवानी में ही डिसेबल हो गया था, है ना, लेकिन उसने सारी चीज़ें उसके आँखों के रेटिना से सारा उसका सिस्टम पूरा चलता था, पूरा कंप्यूटराइज उसके व्हील चेयर, समझ रहे हो ना, व्हील चेयर पर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग नाम है उसका, वैज्ञानिक हुए हैं, है ना। तो वो इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के को लेके कहाँ किस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आप छोटी मोटी बीमारी से घबरा रहे हो यार। बहुत सारा थैंक यू सर जी मोटिवेशन देने के। तो आप छोटी मोटी बीमारी से घबरा रहे हो, वो बंदा पूरी जिंदगी उसने अपनी एक व्हील चेयर पर गुजार दी, है ना। और देखो ना, रेटिना से ऐसे वो जब कोई काम करता था उसके पूरा सिस्टम था उसकी व्हील चेयर पर पूरा कंप्यूटराइज, तो वो जो भी बातें करता था वो बोलता भी नहीं था, है ना, हाथ पैर भी नहीं चलते थे, तो वो उंगलियों से काम करता था। और यहाँ की जो ये जो होती है ना, ये इसकी जो मूव करती थी, ये पल के मूव करती थी, आंखें मूव करती थी, मुंह को हिलाता था, तो उससे वो सारे जो है ना कन्वर्सेशन करता था। और देखो कितने बड़े बड़े काम किए हैं यार उसने, और आप इस छोटी सी बीमारी से घबरा रहे हो, है ना। अभी तो उसको भी जैसे आपको लगता है कि हम टीनेजर में ये हमें क्या हो गया, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, भाई उसको टीनेजर में 11-12 साल की उम्र में उसको ये चीज़ हो गई थी, है ना। उसने झंडे गाड़े, झंडे व्हील चेयर पे रह के। तुम्हारे हाथ पांव, आप लोगों के हाथ पांव तो ठीक ठाक है ना पूरे, है ना, केवल ये डिजीज ही तो है आपको, है ना। मैं तो कहता हूं कि अगर ये सही भी नहीं होती है और 80-90% आपकी क्योर भी हो जाती है और 100% क्योर भी नहीं होती है, तो क्या जीवन भर इसी के चक्कर में लगे रहोगे, नहीं बताइए आप, नहीं लगे रहेंगे ना। हमें जीवन में और भी कुछ करना है भाई, और भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, केवल केवल सोराइसिस ही अपना टारगेट थोड़ी ना है ये तो। अगर लाइफ में हमारे चलता भी रहेगा, अगर हम कंट्रोल करके इसको चलते रहेंगे, तो जो हम हमारी ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसको छोड़ देंगे क्या, है ना, नहीं छोड़ेंगे। जो हमें काम करना है वो तो हम करेंगे बाबू भैया। हाँ तो ये बात है, बाकी टेंशन मैं आपको ये कहता हूँ, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस आपको नहीं लेना, बिल्कुल भी हमारे यहाँ कहते हैं रत्ती भर भी नहीं लेना आपको, इत्तू सू भी नहीं लेना, इत्तू सा स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। स्ट्रेस बहुत खतरनाक चीज़ है, आपकी सेहत के साथ साथ ना आपकी जो है ना परिवार को भी बिगाड़ देता है। जब आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है ना स्ट्रेस में, क्या करोगे, जब आप स्ट्रेस होगे तो एंगजाइटी आएगी, एंगजाइटी से फिर आपको डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे तो आपकी फैमिली आप परेशान हो जाएगी, फैमिली पर आपको डॉक्टरों के पास इधर उधर लेके घूमेगी। पहले पहले तो आप सोराइसिस का ट्रीटमेंट ले रहे हो, फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंगजाइटी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, घर वालों के पास इतने सोर्स नहीं है जो आपको अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाते फिरे, केवल यही घर वालों के पास काम नहीं है, फैमिली के पास के आपके पीछे ही पैसा लगाते रहे, है ना, ये चीज़ भी हमको समझनी है। तो बिल्कुल भी अगर हम इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलेंगे तो ये कंट्रोल भी होगा, और जिसकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है ना वो इसको ठीक भी करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो कमजोर मानसिक स्थिति के हैं वो तो इसको लेके जीते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ से स्ट्रोंग है ना, और यहाँ से सब कहते हैं ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, है ना, वो तो फतेह कर देंगे, उसमें उनकी कोई टेंशन, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होने की, है ना। तो और बताएं सब कैसे हैं यार, आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, 5 लोग ही जुड़े हुए हैं, हालांकि मेरे लिए तो आप 5 भी 50 के बराबर हो, 5 लोग भी आप मेरे लिए 50 के बराबर हो, लेकिन कल जो है ना 20-25 लोग जुड़ गए थे तो बड़ा अच्छा लगा था, मतलब 20-22 लोग थे,
तो एकदम अच्छा लगता है कि मतलब हम 22-24 लोग मिलके एक साथ बातें कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब बढ़िया लगता है। बहुत सारा थैंक यू सर जी। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ओके, कल आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। सर मुझे पता ये हो गया, मेडिसिन लेते हुए बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। मनीषा चौधरी जी, आप मेडिसिन कौन सी ले रही हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लीजिएगा, ट्रीटमेंट आप फॉलो कीजिएगा, योगा कीजिएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और अच्छा, एक ना मुझे कमेंट आया, आप भी मुझे बताइएगा। मैं जैसे आपसे कहता हूँ कि भाई कम से कम मैंने 25-30 डॉक्टर चेंज कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप को इतने डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सही सा ट्रीटमेंट आप पकड़ लीजिएगा, आयुर्वेदिक ले लीजिए। अगर आप आयुर्वेदिक ही सारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उससे फ़र्क नहीं लग रहा है, तो होम्योपैथी ट्राई कीजिएगा। एलोपैथी को मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, वो आपकी बॉडी को खा जाएगा, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल ख़राब कर देगा। एलोपैथिक नहीं लेना है बिल्कुल भी। मनीषा चौधरी जी का एलोपैथिक से ठीक होगा ही नहीं मैम, आपका आपका नहीं, किसी का भी ठीक नहीं होगा। एलोपैथी का रिजल्ट ही नहीं है सोराइसिस में। या तो आपको रिजल्ट होम्योपैथी देगा या आपको आयुर्वेदिक देगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है जिसमें आपको रिजल्ट मिल सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार वीडियो में कहता हूँ कि एलोपैथी ट्रीटमेंट मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। ये आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को, आपके पूरे जितने भी सोराइसिस पेशेंट्स हैं वो स्टेरॉइड्स इतना लेते हैं ना, उनका लीवर पहले से ही डैमेज है और मतलब उसका सत्यानाश करने में लगे हुए हैं एलोपैथी मेडिसिन लेके। बाहर बाहर से वो ठीक कर देते हैं, अंदर से स्टेरॉइड डाल डाल के ना आपकी बॉडी को ख़राब कर रही हैं ये अंग्रेजी दवाइयाँ। तो अंग्रेजी दवाइयों से बचें जितना ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको आवश्यकता होती है तो आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ट्राई करें, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई करें, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप काफ़ी टाइम तक भी ये जो है ना इस तरह का ट्रीटमेंट लेते हैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, तो उस पर बॉडी का कोई आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, उसका कोई बॉडी पे इफेक्ट मिलता ही नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट जितना एलोपैथी मेडिसिन से मिलता है स्टेरॉयड यूज़ करने के बाद, है ना। सर मैंने तो एलोपैथिक ही लिया है। अब मनीषा जी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने इतने समय से एलोपैथी लिया है, अब यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेंगे या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे, तो इतने दिन से आपने जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है, फिर उसका अब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथी ट्रीटमेंट एकदम रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपने पहले स्टेरॉइड्स काफ़ी ले चुके हैं आप एलोपैथी ट्रीटमेंट में, है ना। और जो आपके अंदर के पार्ट्स हैं, जो आपके आपके लीवर वगैरह हैं, ये ऑलरेडी आप चेक कराएंगे तो इसमें देखिएगा, जांच कराइएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लीवर में आएगी। मैंने आयुर्वेदिक में सिर्फ मेडिसिन ही यूज़ की है, पंचकर्मा में भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि पंचकर्मा के रिजल्ट कोई कुछ खास नहीं है और आपकी बॉडी को हीट करते हैं स्किन डिजीज में। बाकी और जो अगर और किसी प्रॉब्लम के लिए पंचकर्मा करा रहे हैं तो आप करा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्किन डिजीज में पंचकर्मा आपको कराने से बचना चाहिए, क्योंकि मेरी पंचकर्मा कराए हुए कुछ पेशेंट्स से बात हुई है, उनकी पूरी बॉडी हीट हो जाती है, उसके बाद जब बॉडी से सप्रेशन बाहर आता है तो बहुत ज़्यादा 3 गुना 4 गुना आप उनका सोराइसिस एग्रावेट होके बाहर आता है ना। तो उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स जो है ना, या रिव्यूज़ कह सकते हैं, वो देखने को मिला है, तो इसलिए मैं पंचकर्मा सजेस्ट नहीं करूँगा, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 लोग जुड़ गए हैं। एलोपैथी से कुछ दिन ठीक रहते हैं मनीषा जी, आगे चलकर एलोपैथिक बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप, प्रदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनीषा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप अगर आप होम्योपैथी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं, तो जो आपने पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है उसका जो सप्रेशन बाहर आएगा, तो आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा जो है ना पैचेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्रावेट होके आपका जो है ना बाहर आएगा। जब इसका सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा एलोपैथी ट्रीटमेंट का, जब बॉडी से असर ख़त्म होगा,
वो 1 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। जब तक उस सेपरेशन से बाहर नहीं आएगा आपका सोराइसिस, तब तक आपके रूट कॉज पे होम्योपैथी मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करेगी। क्योंकि जिन्होंने 2-4 महीने भी एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है, उनको भी 2-3 महीने में भी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि पहले एलोपैथी का सेपरेशन बाहर आता है। जब वो सेपरेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद आयुर्वेदिक होम्योपैथी ट्रीटमेंट। सब मेरे तो फुंसी टाइप है हेड में। देखिए मनीषा जी, मैं आप बहन बहन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके इसे एलोपैथी ट्रीटमेंट को बंद कर दीजिएगा, और नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या होम्योपैथी डॉक्टर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। ये सिर्फ आपको लूट रहे हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट वाले, बाकी कुछ नहीं कर रहे। इतने महंगे महंगे ये लोग जो है आपको ट्यूब देते हैं, क्रीम देते हैं, इतनी महंगी महंगी आपको मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड्स के नाम पे आपको लूटते हैं। मतलब हम सबको लूटते हैं एलोपैथी के नाम पे, सोराइसिस के नाम पे, और कहते क्या है आपसे कि ये ठीक नहीं होगा, इसको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ये ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथी डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें आपको रिजल्ट तो देखने को मिलते हैं ना, और ये 1-2 महीने के लिए आपको ठीक कर देंगे, फिर आपको वापस अपने क्लिनिक पे बुला लेंगे। ये 1-2 महीने के लिए आपके पैचेस को ठीक कर देते हैं, और फिर वापस आपको अपने पास बुला लेते हैं कि आ जाइए। जी, बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, हमें पता है, ऐसा ही बोलते हैं ये। मैंने भी जो है ना, मैंने ज़्यादा दिन ट्रीटमेंट नहीं लिया था एलोपैथी का। एक रीज़न मेरे साथ ये भी हो सकता है कि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो 30 या 40 दिन मैंने मुश्किल से ट्रीटमेंट लिया होगा, और उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था, और फिर देन मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो चिकित्सा पद्धति आपको कौन सी अपनानी है आप खुद समझ सकते हैं, और इतने ना समझ भी नहीं है कि आप एक ट्रीटमेंट को इतने दिन यूज़ करें। ठीक है, अगर इतने दिन में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, मैंने जो है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, 5 महीने में मेरा रिकवर हो गया, मैं 6 महीने ट्राई करता, अगर 6 महीने में मेरा रिकवर नहीं होता, मैं तुरंत अपना ट्रीटमेंट चेंज करा देता। हेलो भैया, यही होता है सर्वनर। हेलो सर, आपको ठीक हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 7 जून 2022 से आई एम ओके, एकदम मस्त बिंदास। यस, मैं 6 साल लिया एलोपैथिक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो कभी ठीक हुआ ही नहीं। अब यही लगा लीजिए आपका, अब लोगों का एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाता है, आपका ठीक भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके जो है ना पेट में समस्या कुछ ज़्यादा है। ठीक है, आप अपने लीवर की जांच कराएं, लूज मोशन देखिएगा, आपका पेट सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर से मेडिसिन ले ली है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे अच्छे क्या, आप एलोपैथी में तो ना जो है ना, जिसके गोल्ड मेडलों से जिसके ना कमरे भरे पड़े हों, मैंने 10-12 साल में 4 बार एलोपैथी यूज़ किया, बट ठीक नहीं होता है, रिटर्न हो जाता है। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी, इन्होंने काफ़ी टाइम एलोपैथी ट्रीटमेंट, ये रिटर्न आ जाएगा आपका एलोपैथी ट्रीटमेंट में। ठीक है, गारंटी जो है आपके आयुर्वेदिक और एलोपैथी वाले भी हैं। उम्र मुझे 25 साल। जी बिल्कुल, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे जो है एक जो है मैंने कुछ लोगों को जो है एक एड्रेस और दिया है, शिव आयुर्वेदिक संस्थान के नाम से बनारस में, उनकी मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी है, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। 3 महीने की मेडिसिन वो देते हैं, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनका देखने को मिल रहा है। उनके दिए हुए पेशेंट से मेरी 2-4 लोगों से बात हुई है। ठीक है, बनारस में है, आपको ऑनलाइन मेडिसिन आ जाती है ना, तो मुझे, मैं उसकी डिटेल्स आपको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई कर लेना, मैं आपको उनकी जो है कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, उनसे आप बात करके उनसे भी थोड़ा समझ लेना। बाबा सिद्ध सर साई गुरुद्वारा में, देखिए ये सर साई गुरुद्वारा में जो सोराइसिस का इलाज होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सुना है और कुछ यूट्यूब पे देखा भी है,
पंजाब में अमृतसर के पास शायद इसको बताया जाता है कि वहाँ पे है, वहाँ पे जो है ना कुछ इनके नियम होते हैं, वहाँ के कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ पे कोई कुंड है वहाँ पे स्नान करना पड़ता है कुछ ऐसा मुझे बताया गया था, और वहाँ के जो रूल्स होते हैं वो भी कुछ है तो वो स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वहाँ पे भी कुछ लोगों के जो है ना मैंने रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पे भी आप एक बार अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, पंजाब में जी, अमृतसर के पास बताते हैं अगर मैं ठीक हूँ तो। हाँ जी हाँ जी, किसी कंट्री में इलाज नहीं है एलोपैथिक में जो जड़ से। जी, एलोपैथी में है ही नहीं, आप कहीं भी क्या पूरी कंट्री में पूरे विश्व में यूनिवर्स में कहीं भी पता कर लीजिएगा, इसको आप आयुर्वेदिक से ठीक नहीं कर, इसको आप जो है एलोपैथी से ठीक नहीं कर सकते। मैं दिल्ली के हर हॉस्पिटल में दिखा लिया लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा। जी, बिल्कुल, अगर आपको फ़र्क नहीं लग रहा है अपनी जांच वगैरह करा के, कोई होम्योपैथी या एलोपैथी डॉक्टर को आप कीजिएगा। मैंने आयुर्वेदिक दवाई जो ली है, नाम तो मुझे ध्यान है नहीं, ठीक है, लेकिन जो है नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है मैंने दिन में जो है करीब 24-25 टैबलेट्स खाई हैं, है ना। और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि मैंने, मेरा जो सोराइसिस है उसमें 15-20 से 25% रोल मेडिसिन का है, बाकी मेरा पेशेंस, मेरी एक्सरसाइज, मेरी डाइट है। 4 से 5 महीने मैंने तीन चीज़ों को छुआ नहीं है जब मेरा ट्रीटमेंट चला था। बहुत ध्यान से सुनना, आलू, टमाटर, बैंगन, इन तीन चीज़ों को मैंने छुआ नहीं 5 महीने जब तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। और डेयरी प्रोडक्ट में गाय का दूध डाइल्यूट करके दिन में एक बार, हाँ, बिल्कुल जाना सही रहेगा। देखिए लोगों की आस्था है, और वहाँ से अगर लोग ठीक हो रहे हैं और आप दुनिया भर घूम चुके हो, इतनी जगह आपने दिखा लिया है, तो एक बार वहाँ भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चले जाना चाहिए। ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि आपको कहीं से भी जहाँ से भी आराम लग रहा है आपको वहाँ एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। किसी को भी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बस सर मैंने पतंजलि से मेडिसिन ट्राई किया मुझे सर। हाँ बिल्कुल, आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ट्राई करें, मेरे नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा। मैं आपको, मैंने बताया शिव आयुर्वेदिक संस्थान बनारस, इनकी मेडिसिन काफ़ी अच्छी है, 90 दिन की ये गारंटी लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग अभी इनकी मेडिसिन ले रहे हैं 15-20 दिन 1 महीना जिनको हो चुका है, उन ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि इनके रिजल्ट जो है मिलना शुरू हो गए हैं। मे भी हो सकता है 90 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन 90 दिन के बाद दोबारा से रिटर्न आता है नहीं आता ये 90 दिन के बाद पता चल पाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोगों को रिलीफ मिल रहा है जो वहाँ से मेडिसिन ले रहे हैं। तो आप मुझे हाई लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ का जो है कॉन्टैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि लाइव चल रहा है मोबाइल पे, तो ऐसे नहीं बता सकता मैं। सर चिरायता और कुटकी से मैं ठीक कर लिया था, बट 4 दिन के बाद सब कुछ पीना स्टार्ट कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ होम रेमेडी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सब कुछ खाना पीना स्टार्ट, अगर डाइट आप प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपका एग्रवेट होगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने सोराइसिस को ट्रीटमेंट में एलोपैथी का उसको सॉरी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लिया, आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट लिया, और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपका वो जड़ से ख़त्म हो गया। जब वो आपका जड़ से ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा। जड़ से ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप डाइट छोड़ देंगे, पुराने खान पीन पे, पुराने ढर्रे पे आ जाएंगे तो वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आपके मामा का बेटा नहीं है वो, के दोबारा से नहीं आ सकता, है ना। तो ये है, वो आ जाएगा, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है।
हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि वो आपका रिश्तेदार है, आप उनसे कह दो भाई अब बताना, हम सब कुछ खा पी रहे हैं, प्लीज़ बख्श दे, है ना। अब आप खुद समझ सकते हैं, मैं अभी एक पीछे अभी कल एक फंक्शन में गया था, तो मैं थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल रखता हूँ, मैंने वहाँ पे साग लिया, तो चपाती ली, सलाद में गाजर लिया, खीरा लिया, चकुंदर लिया, वो सब चीज़ें मैं खा रहा था। और मेरी एज 29-30 है, ठीक है। और वहाँ पे मैंने देखा एक 75 ईयर्स के बुजुर्ग, मतलब 75 वर्षीय एक आदमी, मतलब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, वो सब कुछ खा रहे थे। तो समझते हो आप, वो मतलब रसगुल्ले, दही बड़े और चावल और कचौरी, सब्जी, दाल, रायता। अच्छा वो जो दवाई है, जहाँ से अगर आप बनारस से दवाई मंगाते हैं, वैसे तो वो 4,000 रुपये महीना का उनका खर्च है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा हुआ है कि यदि आपके थ्रू कोई हमारे पास आता है तो हम 3,500 में आपको वो मेडिसिन मिल जाएगी। मतलब उनसे मेरा नाम ले देना कि हमारी जो है नितिन से बात हुई है, जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो वो आपको 3,500 रुपये में मेडिसिन वो प्रोवाइड करा देंगे। 90 दिन को आपको वो मेडिसिन खानी है, उसके बाद उनका दावा है कि 90 दिन में वो आपका ख़त्म कर देंगे, अगर सोराइसिस और सारी चीज़ें, डाइट प्रॉपर आप फॉलो करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो वो हो जाएगा। तो मेरे नंबर पे आप अगर उनके जो है ट्रीटमेंट की डिटेल्स चाहते हैं, उनकी जानकारी, उनसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर पे 6397864528 इस नंबर पे मुझे हाई लिख दीजिएगा, अपना नाम एड्रेस बता दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको उनका नंबर और डिटेल्स शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप उनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। पूरी जब आपकी तसल्ली हो जाए, आपका जो है आप संतुष्ट हो जाए उनसे बात करके, उसके बाद आप मेडिसिन मंगाइएगा। मैं क्योंकि हर उस जगह का मैं आपको ट्रीटमेंट बता देता हूँ जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 लोगों को बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो वो मैं बता देता हूँ, ताकि आपको कहीं से ना कहीं से तो आराम लगे। बस आराम लगना इम्पोर्टेंट है, आराम लगना चाहिए। आज के लाइफ का जो मेन फोकस है वो ये है कि आप सर, होम डिलीवरी भी होती है क्या? जी जी बिल्कुल, होम डिलीवरी हो जाएगी, बाई कुरियर सर्विस है उनकी, सर्विस से होम डिलीवरी हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया। आप कहीं पे भी घर बैठे ऑनलाइन मेडिसिन वहाँ से मंगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको भी वो ट्रीटमेंट ट्राई करना है, तो मेरे नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं अपना नाम और एड्रेस, 6397864528। 4,000 का उनका मेडिसिन है, मेरा नाम आप अगर लेंगे तो 3,500 रुपये में वो आपको दे देंगे, 1 महीने का मेडिसिन। मेरा नाम उनको बता देना। 14 लोग देख रहे हैं अभी, 6 लोगों ने लाइक किया है, बाकी जो 8 लोग हैं वो भी लाइक कर दीजिए। अच्छा मैं जो था कल, एक बंधु थे, एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि आप तो YouTube के लिए कर रहे हो, व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए कर रहे हो, ये सब क्या, ये अच्छा ये, आप मुझे बताइए क्या, मुझे मुझे क्या लालच है आपसे? आप इतने लोग देख रहे हैं, 12-13 लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, क्या आपको लगता है मेरी वीडियो देख के मैं किसी के प्रमोशन के लिए ऐसा करता हूँ, कोई मुझे पैसा दे रहा है, या मुझे कोई लालच है आपसे? आप मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे क्या लालच है आपसे। मुझे सिर्फ इतना सा लालच है कि जो बीमारी से मैं ने झेली है, जो बीमारी से मैं परेशान रहा हूँ, बस मुझे इतना सा लालच है कि उस बीमारी से आप निजात पा जाएं, उस बीमारी से आप फ्री हो जाएं, टेंशन फ्री हो जाएं, मुझे बस इतना सा लालच है। ये लालच मुझे ज़रूर है, क्योंकि जब आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मेरे बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, है ना, मुझे प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे, इसीलिए तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई ऐसा कोई कोई लालच नहीं है, ठीक है। तो
मैं निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, है ना। और जहाँ भी जो भी चीज़ें, कोई होम रेमेडी कोई मुझे बताता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर आपको भी B12 और विटामिन डी की? नहीं, मुझे ना तो विटामिन B12 और ना विटामिन डी की डिफिशियंसी कोई नहीं आई थी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये ठीक होता है। मुझे 25 साल से था, मैंने सारी दवाई की। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैं मुझे क्या लालच है? तो वो भाई साहब मुझे बता रहे, मुझे बुरा नहीं लगता, कमेंट में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने मुझसे कहा मेरा हर वक्त छिलका छिलका थोड़ा समझा, छिलका निकलता रहता। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा इसको आप दोबारा बताइएगा। छिलका निकलता रहता है, ये मैं कुछ समझ नहीं पाया। ठीक है, तो आप मुझे बताएं मैं किस भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग जो है ना इस तरीके से नहीं जुड़ सकते। अपने चैनल पे 3,000 से ज़्यादा, 3,000 लोग अपने चैनल पे, 3,000 मेंबर अपने फैमिली में होने वाले हैं। प्लीज़ नमक जैतून ट्राई करें, 2,000 के आता है, 6 मंथ चलता है। अच्छा, जी, बिल्कुल। नमक जैतून का भी हम लोगों को बताएंगे कि उसको कैसे करना है। आप ना उसकी जो है ना कैसे यूज़ करना है वो आप हमारे साथ शेयर करें। स्किन फ्लेक्स निकलता है, ओके। स्किन फ्लेक्स तो निकलता ही है सोराइसिस में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा जो चैनल है वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं जो कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल भी है या नहीं है। भैया इसके बारे में बताएं आप, नमक जैतून के बारे में। ओके, इसके बारे में बताया जाएगा। एक्चुअली नमक जैतून जो आप मुझे बता रहे हैं, इसकी रेमेडी मैं थोड़ा सा जो है स्टडी कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं देख लेता हूँ, थोड़े से रिव्यूज़ देख लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी जो है ना गलत चीज़ें डिलीवर नहीं करना चाहता जब तक मैं खुद उसको ना देख लूँ अच्छे से, उसको पूरा रिव्यू ना देख लूँ, उसका पूरा चीज़ें दो चार रिव्यूज़ प्रैक्टिकली चीज़ें ना देख लूँ, तब तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कोई भी चीज़, है ना। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता तब तक मैं वो चीज़ें आप तक डिलीवर नहीं करता हूँ। नहीं, ये गलत नहीं है, मुझे ठीक हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है समीरुद्दीन जी। मैं इसके बारे में पढ़ के और इसकी रेमेडी पढ़ के कैसे यूज़ करना है वो मैं बता दूंगा। ओके, बाद में पता चला तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जो B12 और ये आपका जो है विटामिन वगैरह की अगर कमी आई है इस तरीके की, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाखून से हर वक्त स्किन फ्लेक्स निकलता है, स्किन फ्लेक्स अगर निकलता है नाखून से तो उसके लिए तो आप वहाँ पे जो है ना कोकोनट ऑयल यूज़ करें और कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। समीर जी, नमक जैतून आपके लिए काम कर रहा है क्या? जी, समीर जी कह रहे हैं कि उनके लिए जो नमक और जैतून वाली जो रेमेडी है वो काम कर रही है, तो बिल्कुल हम भी जानना चाहेंगे। वो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मेरे जो है उसकी पूरी रेमेडी भेजिएगा। अगर वाकई में ही वो अच्छी है और उससे लोगों को रिलीफ मिल रहा है तो मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा। जी, यह बोल रहे हैं कि उनका बेटा सोराइसिस की पपड़ी निकालता रहता है। ओके, एक्चुअली वो पपड़ी पपड़ी निकालता नहीं रहता है, उसको इचिंग होती है तो वो उसको निकालना पड़ता है। एक्चुअली जब हमारे पैचेस हो जाते हैं उस पर जो स्केल्स बनते हैं ना, तो वो हमें इचिंग इतनी होती है, वो हम स्केल्स उखाड़ फेंकते हैं, तो वो बच्चे की गलती नहीं है, तो उस पर गुस्सा नहीं करना है आपको, है ना। एक तो वो बच्चा है, ऊपर से उसको थोड़ा मोटिवेट करना है, समझाना है ना। जतियाड़ी जतियाड़ी ऑयल से इचिंग नहीं होती, विजय लक्ष्मी जी मुझे ठीक हुआ है। ये क्या जतियाड़ी ऑयल से इचिंग नहीं होती, ये क्या सिस्टम है, ये अभी आप मुझे बताएं थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल के लिए क्या, और मैं इसीलिए तो लाइव आता हूँ ताकि ये देखो ना, आप अब लाइव आए हैं तो कितनी चीज़ें पता चल रही हैं, आप कमेंट एक दूसरे के कर रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहे हैं लोगों के, किसको कैसे आराम मिल रहा है, ये समझ रहे हैं आप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, किसको कैसे आराम लग रहा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
नमक जैतून किसी हकीम की मेडिसिन है और सर उनकी वीडियो यूट्यूब पे ही मिलेगी। आयुर्वेदिक ऑयल है, मेरे को आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला था, अच्छा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो कमेंट आपके लिए आ रहे हैं, तो ये तभी हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को भी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसे झेला है। जी, बिल्कुल सही बात है, और सही समीरुद्दीन जी एक्सपीरियंस सही शेयर कर रहे हैं आपसे। बिल्कुल हम इस पे जो है ना, खुली मिटता है खुला मिलता है। अच्छा चलिए कोई नहीं, इसको ना प्रॉपर तरीके से हिंदी में आप लिख के आप प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप पे जरूर कीजिएगा। हाँ, यूट्यूब पर दिखाओ इसकी वीडियो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको मैं ज़रूर इस पे जो है, जो आपने बताया ना, इसको मैं ज़रूर इस रेमेडी को एक बार जो है ना, मैं खुद से देख के और खुद आपको जो है शेयर करूंगा, ताकि और लोगों को भी, अभी आप 10 15 20 लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, हज़ारों लोग हैं, 2% लोगों को वर्ल्ड में सोराइसिस है, और हम हर बात शेयर करेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ये बात अच्छी कही है इन्होंने, 2 से 3% लोगों को सोराइसिस है, और मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर पूरे वर्ल्ड का आंकड़ा उठाया जाए तो 2 से 3% तो 12 14 करोड़ लोग तो बैठ ही जाएंगे, इतने बैठ सकते हैं या नहीं भाई? मेरे हिसाब से तो इतने बैठ जाने चाहिए, 2% से 12 14 करोड़, है ना? तो इतने ही बैठते हैं क्या? 2% से अगर हम यूनिवर्स की जो है आंकड़ा लगाएं तो कितने लोग बैठेंगे, आप थोड़ा सा बताएं कमेंट में। बिल्किंग है सर, बिल्कुल 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 ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, इतने लोगों को सोचिए, हम लोग इतने जुड़े हुए हैं, यहाँ से कितनी बड़ी मुहिम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? इतने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किसको कैसे रिलीफ मिल रहा है, कौन कैसे क्योर कर रहा है, किस तरीके से, इसमें हमारा क्या जा रहा है, कुछ जा रहा है इसमें हमारा? लेकिन क्या है, हम एक चीज़ यहाँ से उठा के दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मतलब चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, एक चीज यहां से दूसरी जगह जा रही है, जिस बंदे को आराम लगा है वो दूसरी जगह जा रहा है, कमी भी चाहिए सर करनी। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये ना चीजें क्या है ना, अगर आपको ये चीजें हुई हैं और आपको रिलीफ मिला है, क्योर हुआ है, और आपके थ्रू किसी और को क्योर हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ सुबह शाम एक चुटकी खाना है नमक जैतून, ओके, सुबह शाम एक चुटकी खाना है, बिल्कुल समीरुद्दीन जी, इस पे हम, मेरा पूरा फोकस है, खुजली मिटाना कैसे होगा, स्किन केयर के बारे में देखिए, इस जहाँ तक खुजली मिटाने वाली बात है, अगर आपको ईचिंग होती है आपके पैचेस पे, तो मैंने आपको बताया है कोकोनट ऑयल में आप जो है कपूर मिला के यूज़ कर सकते हैं, या फिर वाइट पेट्रोलियम जेली में कोकोनट मिला के समान मात्रा में वो यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ईचिंग में आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है जी? बाकी जो है ना, ये जो चीज़ें, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्या फेस कर रहे हैं, किस चीज़ से आपको रिलीफ मिल रहा है, किस चीज़ से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, क्यों आपका जो ट्रीटमेंट है इतना टाइम टेकिंग हो रहा है, क्यों इतना समय ले रहा है क्योर होने में, क्या रीज़न है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, प्रोटीन विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन डी की डिफिशियंसी है, किस चीज़ की डिफिशियंसी है आपको, वो जो चीज़ें आप हमारे लोग, हम लोगों के साथ शेयर करते हो कमेंट में, वो दूसरे लोगों तक जाती हैं, तो उनसे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं जो आपकी मदद कर पा रहा हूँ, वो मैं जो थोड़ी बहुत जितनी भी मुझसे 2 4 1 2% आप लोगों की हेल्प होती है, वो किस लिए होती है, मेरे पास 20 25 जो है ना चैट्स आते हैं व्हाट्सएप पे, और क्योंकि मैंने नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो 10 20 कॉल भी आ जाते हैं, तो वो वहाँ से जो मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। समीर जी, आप नमक जैतून के साथ फ्लैक्स सीड्स भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीरुद्दीन जी आपको बता देंगे, और जी,
जितने भी सब लोग हैं वो लाइव हो यहाँ, सबकी यहाँ प्रॉब्लम ठीक करे अल्लाह, जल्दी सबको लोग आमीन बोले। जी, आमीन। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको आराम लगेगा। देखिए समीरुद्दीन जी जैसे लोग हैं, उसके लिए उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो आप लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं, मेरी तरह वो आपकी मदद या हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस पेन को झेल चुके हैं, उन्होंने इस परेशानी को झेला है। तो ये इस मर्म को आप समझिएगा, इस जो पीड़ा जो वेदना है उस चीज़ को समझिएगा कि हम किस चीज़ को लेंगे। जी, तो हम किस फोकस के साथ और क्या हमारा उद्देश्य है और किस उद्देश्य के साथ हम आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, फ़ायदे हुए हैं किसी को, और कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कब। हेलो, क्या हाल है ब्रो? बढ़िया लखन पाल जी, कैसे हैं? फ्लेक्स निकालने, जो ब्लड निकलता है उसमें क्या लगाएं, हल्दी या एलोवेरा? देखिए हल्दी अगर आप लगाएंगे तो उसमें ना आपको जो तो आपको इचिंग वगैरह ज़्यादा होगी, या मतलब उसमें पेन आपको ज़्यादा होगा अगर ब्लड निकल जाता है तो, है ना? तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर आप ब्लड भी निकल गया तो भी आप उसको साफ़ करके थोड़ा, है ना, कॉटन वगैरह से, तो उस पर कोकोनट ऑयल ही आप यूज़ करें, ठीक है? या फिर जो मैंने आपको बताया ब्लड के रोकने के लिए भी और थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए भी, वाइट पेट्रोलियम जेली और आपका कोकोनट ऑयल यूज़ करें। हेलो नितिन भैया, आई एम यस फ्रॉम समयपुर। अरे ये कौन है भाई? यस ओके, यस ये तो हमारे यहीं से, ओके ये हमारे गांव से है यस। ओके अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, चलिए आपको पहचान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लैक्स सीड्स एक बार एक स्पून, मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद कितनी देर तक? फ्लैक्स ओके, ये आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी जो है अभी हमारा लाइव देखिए, बातों बातों में 52 मिनट का हो चुका है। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सोराइसिस को लेके? मतलब बात यहाँ पे सोराइसिस की नहीं है, आप हेल्थ अपनी कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे आप ठीक हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि एक लोग एक दो चीज़ें जो है आपसे मिलें, कुछ चीज़ें मैं आपको दूँ, और उससे ना आपको हेल्थ बेनिफिट मिल सके, आपकी हेल्थ को बेनिफिट हो सके, ये मेरा फोकस रहता है ना जी? समीर जी, आप फ्लेक्सी रोस्टेड लेते हैं या रॉ? ओके 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 ओके, राजीव शर्मा जी के सुपुत्र पैंट का। हेलो यस, कैसे हैं? मैं पहचान गया आपको, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जीरो स्टेट, ओके ओके बढ़िया। यश कैसे हो? और किसी का कोई डाउट? रेगुलरली स्टिकली स्टूल कैसा ठीक करें? ग्लूटेन की डाइट, फ्री डाइट लेने से स्ट्रेस बहुत जल्दी ठीक होता? अच्छा, ग्लूटोन की डाइट लेने से। ओके भैया, अभी शेयर करता हूँ भैया, लाइव बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया, मैं अच्छा हूँ जी। अरे अरे अरे, धन्यवाद धन्यवाद, चलिए चलिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपका ग्रुप वगैरह है इसमें, मैं कोशिश करता हूँ, मैं 9 बजे रोज इस तरीके से लाइव आता हूँ। तो यश भाई भी यही कोशिश रहती है कि लोगों को जो है ना, तो जहाँ पे अपने कमेंट्स शेयर करते हैं तो और लोगों की भी मदद हो सके, ताकि जो है ना हेल्थ से रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। जी, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। ओके ओके ओके, अपना लाइव आपको पता है 1 घंटे का होने वाला है। नितिन जी एंड समीर जी, आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, थैंक यू सो मच। और समीर जी को भी थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और
समीर जी से मैंने कहा है कि आप जो ये रेमेडी आपने यूज़ किया, अगर आपको ज़रा सा भी अगर आपको रिलीफ मिला है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप ज़रूर शेयर करें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके फिर लोगों के साथ शेयर करता हूँ। क्या कांटेक्ट कर सकता हूँ आप? जी। चलिए चलिए समीर जी, चलिए चलिए देख, ओके, ये हम लोग जरूर ट्राई करेंगे अगर इससे रिलीफ मिलता है, क्योंकि रिलीफ इम्पोर्टेंट है, रिकवरी इम्पोर्टेंट है। किसी भी डिजीज से, किसी भी प्रॉब्लम से अगर रिकवरी हो जाती है, वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो। हेलो भैया, आपका एक मोटिवेशन हो गया, सोराइसिस लीवर की प्रॉब्लम है या फिर स्किन की? अच्छा देखिए, सोराइसिस जो है ना वो लीवर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। सोराइसिस लीवर की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ आपके जी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके ओके ठीक है, कर दीजिएगा आप। तो एक्चुअली ये समीरुद्दीन जी जो है ना, ये आई थिंक, मुझे लगता है आगरा से हैं, और इनकी बहन को सोराइसिस है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वही हैं। हाउ कैन वी ओवरकम टू दिस? देखिए, लीवर की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आप लीवर की जांच कराइएगा। सभी सोराइसिस पेशेंट को सुबह सुबह ग्रीन जूस पीना चाहिए। ओके जी अंकित जी, कांटेक्ट में मैं नितिन भैया से कांटेक्ट करने वाली हूँ, उनसे नंबर ले लेना। ओके पहचान गए। हाँ जी। तो उनकी सिस्टर को प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा वो समीर जी बात कर रहे हैं, जबकि जो है उनकी सिस्टर हमसे बात कर रही हैं। जी। तो मेरे माइंड में थोड़ा टच था, तो इस वजह से मुझे, मैं पहचान पाया। स्टिकली स्टूल डेली, क्या करें? जी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उनकी सिस्टर हूँ। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, मैं आपको समीर समझ रहा था, और उसके लिए सॉरी, और थोड़ा सा जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, और तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे इस चीज़ को। मैं हाँ, जी, कोई दिक्कत नहीं है बहन। आप ये जो चीज़ आपने बताई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इस पे मैं ना ट्राई करके इसको जो है ना, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करके मैं लोगों के साथ शेयर करूँगा अगर इस रिलीफ आपको मिला है। और अच्छी बात ये है कि आपको रिलीफ मिला है, क्योंकि जिस समय आप आपसे हमारी बात हुई थी, उस टाइम पे जो आपके भाई थे वो कह रहे थे कि काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है, तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक्स, आपकी डाइट भी अच्छी है। ओके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितनी भी लोगों की हेल्प कर सकूं डाइट को लेके, या जो भी मैं इधर उधर से चीज़ें असेंबल करके आपके लिए लाता हूं, है ना, गूगल से उठा के, यूट्यूब से उठा के, अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकि आपको बेनिफिट मिले, आप रिकवर हो पाएँ, आप जल्दी से क्योर कर लें। तो मेरा जो मकसद है वो यही रहता है ना। अभी जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी जी, डेली कब नहाएं और कैसे नहाएं? डेली कब नहाएं, और आई थिंक नहाने के लिए पूछ रहे हैं, तो नहाइए आप रोज, है ना। तो अभी सर्दियां चली गई हैं, तो रोज नहाना है, तो ये गलत बात नहीं करनी है आपको, रोज नहाइएगा। सोराइसिस की डाइट चेंज करने के बाद 20 किलो वेट कम हो गया है, लेकिन इचिंग अभी भी होती है। ओके, इचिंग अगर होती है तो उसके लिए फिर रेमेडी है, कोकोनट ऑयल है, पेट्रोलियम जेली है, उसके साथ जो है कोकोनट ऑयल है, वो आप यूज़ कीजिएगा। लेकिन वेट अगर कम हो गया तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, केले वगैरह आप खा सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, और अगर वीकनेस आ गई है तो ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो कर रख दें, सुबह आप ले सकते हैं। सोप कौन सा यूज़ करें नहाने के लिए? डेली यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छा, अंकित पटेल जी ने क्वेश्चन किया है, और ये काफ़ी लोगों का डाउट्स है। सोराइसिस में जो पेशेंट नहाते हैं उनको जो है नॉर्मल सोप से नहीं नहाना है, आपको जो साबुन यूज़ करना है वो डव साबुन यूज़ करना है। वीक में, वीकली
दो टाइम आपको जो है ना वो साबुन यूज़ करना है, मतलब हफ्ते में 2 बार आप उस साबुन से नहा सकते हैं, डव साबुन से। और जहाँ तक शैम्पू की बात है तो आप डव कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, डव शैम्पू और उसका फिर कंडीशनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या है ना, उसमें जो आपकी जो बाकी नॉर्मल साबुनों से जो आपके पैचेस होते हैं उसमें जो घाव हो जाते हैं, और अगर आप नॉर्मल साबुन यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी जलन हो जाती है ना। और अगर आप डव साबुन यूज़ करते हैं तो उसमें इतना जो है ना उसमें वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो इतना जलन नहीं होगी आपके पैचेस पे, तो वो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है। तो डव साबुन आप यूज़ कर सकते हैं। अब डव साबुन का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई ना कोई प्रमोशनल लाइव है, ना कोई प्रमोशन वीडियो है, ना ही हमें कोई ऐसा पैसा देता है, ठीक है, कि हम जो है किसी का प्रमोशन करें, और हमें करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात, पटेल जी मुल्तानी मिट्टी से या बेसन से नहाए वो केमिकल फ्री है। जी, बिल्कुल वो भी ठीक है, विजय लक्ष्मी जी ने भी बिल्कुल सही कहा है, मुल्तानी मिट्टी आप नहाने में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपने ट्रीटमेंट के दौरान, मैं हफ्ते में 2 बार नहाता था, तो मैं डव साबुन यूज़ करता था, तो मुझे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जो ये बता रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी भी बेस्ट है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल अच्छी चीज़ बताई है बहुत। तो थैंक यू सो मच। अब जब आप आपस में क्रॉस कमेंट करते हैं ना, तो अभी तो चीज़ें पता निकल के आती है ना, किस कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ ठीक नहीं है। अब मैंने आपको डव साबुन बताई, मैम ने आपको बताया कि मुल्तानी मिट्टी आप यूज़ कीजिएगा, तो वो डव साबुन से बेहतर ऑप्शन है। अभी मैंने लाइव भी आपको करेक्ट कर दिया, मैंने अपने आप को भी करेक्ट कर दिया कि मुल्तानी मिट्टी और बेसन ये नेचुरल चीज़ है, ठीक है। हो सकता है साबुन में केमिकल ज़रूर होगा, उससे अगर थोड़ा बहुत चांस है आपको प्रॉब्लम होने के, तो वहाँ पे बेसन से और मुल्तानी मिट्टी से ख़त्म हो गए वहाँ पे, तो वो जो थोड़े बहुत चांस थे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने के, तो वो चीज़ बेसन और मुल्तानी मिट्टी ने ख़त्म कर दी। तो बहुत अच्छी चीज़ मैम ने बताई है, तो उसके लिए थैंक यू। और जब आप ऐसे ही क्रॉस कमेंट्स करते हैं ना, तो चीज़ें फिर ऐसे ही निकल के, और जब डिस्कशन होता है और आपस में बातें होती हैं, तभी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं कि किसको कैसे आराम लग रहा है ना जी। और बाकी जितने भी लोग हैं, सभी अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाल वाला जो बटन है वो आपको दबाना है, कैसे भी दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दब जाना चाहिए, है ना, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वीडियो। जैसे सर एक प्रॉब्लम है, सनलाइट में ज़्यादा देर बैठने के बाद या फिजिकल वर्क ज़्यादा करने के बाद चुभन सी होती है। बिल्कुल वो तो होगी, क्योंकि आप धूप में ज़्यादा बैठेंगे है ना, और डायरेक्ट अगर पैचेस को धूप पड़ी है तो आपको इचिंग इतनी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको ना धूप से बचना है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए जो सुबह वाली जो धूप होती है, हल्की हल्की लाइट वेट जो सनलाइट होती है वो आपको लेनी है। दोपहर वाली धूप और सुबह वाली धूप में बहुत फ़र्क होता है, दोपहर वाली धूप नहीं लेनी है गलती से भी, बाई मिस्टेक भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं थोड़े से जो है अभी पैर सीधे कर लूँ, अभी आप भाई लोग क्या बोलते हो, अभी जो है लाइव को यहीं ख़त्म किया जाए, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, या अभी और कुछ आपको पूछना है, कुछ बातें करनी है तो बताएं। बताइए बताइए, सर एक प्रॉब्लम है भाई आपको भी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। जी, हालांकि अभी लोग जुड़े हुए हैं, तो जब तक जो जुड़े हुए रहते हैं, मेरा तो लाइव ख़त्म करने का मन नहीं करता है ना, तो ये कारण है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं अभी ना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग वाली धूप ही अच्छी है सोराइसिस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। सुबह और शाम वाली आप धूप ले सकते हैं, दोपहर वाली नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आपका कैसे सही हुआ, ट्रीटमेंट कराया, डाइट चार्ट फॉलो किया, और जो है एक्सरसाइज योगा वगैरह किया, और ठीक हो गया है ना। बाकी चलिए,
मसल्स गेन या वेट गेन के लिए डाइट बताएं। चलिए इस पे भी कोई ना कोई आपके लिए एक वीडियो बना देंगे, मसल्स गेन और मसल्स गेन का, जिम पिम का तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। हाँ, वेट गेन के लिए आपको बता देंगे, इसके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। वैसे जो है ना, सबसे अच्छा रिसोर्स जो मुझे लगता है वेट गेन के लिए और आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए, केले आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आप जो है गाय का दूध, जैसे बनाना शेक में दूध डलता है ना, तो उसमें आप गाय का दूध डाल लीजिएगा डाइल्यूट करके। भैया आप एक बार अपना नंबर बता देंगे, गुड नाइट। ओके, चलिए चलिए चलिए, विजय लक्ष्मी जी बोल रहे हैं कि आप एक बार अपना नंबर बता के गुड नाइट बोलिए। तो चलिए बस यहाँ पे, सर मेडिसिन बहुत महंगी है सर, 7,000 रुपये की ली है आयुर्वेदिक। नहीं, वो लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, भाई आज स्मार्ट लग रहे हो। अरे यार, मतलब सर जी आप कांटेक्ट नंबर दो ताकि कांटेक्ट कर पाए विजय जी से। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं देता हूँ कांटेक्ट नंबर। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6397864528। मैं मतलब मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, वो अभिषेक जी बोल रहे थे कि आपका नंबर विजय जी को। ओके, अभिषेक जी बोल रहे थे भाई आज आप स्मार्ट लग रहे हो, शर्मा गए आप तो। अरे एक्चुअली ये जो बोला है ना भाई आज आप स्मार्ट लग रहे हो, तो मतलब मुझे ऐसे मतलब किसी ने बोला नहीं आज तक, है ना। मतलब शादी भी हो गई है ना, उससे पहले ना तो किसी लड़की ने और लड़के ने, मतलब इस तरह से नहीं कि भाई आज आप तो स्मार्ट लग रहे हो ऐसे। थोड़ा सा मैं ना थोड़ा सा शाई टाइप का हूँ, तो थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ ना, तो ये है। पर बाकी बड़ा अच्छा लगा यार, आपने कहा ना स्मार्ट लग रहे हो, तो मतलब ऐसे थोड़ा सा ना, ऐसे मैं थोड़ा सा ब्लश ब्लश कर रहा था, ब्लश। आपका नंबर विजय जी, आप क्यूट भी हो, क्यूट भी बोल दिया लो यार। आज क्या करके रहोगे आप लोग, क्यूट भी बोल रहे हैं, स्मार्ट भी बोल रहे हैं, मतलब ये ना यार सब एक्चुअली जो आपको ये थोड़ा बहुत ग्लो लग रहा है, मुझे तो लगता नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है स्मार्ट और ये ग्लो, अब एक ओ ये मुझे लग रहा है, ये जो है हस्बैंड की वाइफ जो है, ये मुझे लग रहा है मेरा डिवोर्स करवा के रहेंगी है, मुझे लग रहा है ये मेरा डिवोर्स करवा के रहेंगी, क्योंकि भाई मेरी शादी हो चुकी है, दो बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं भाई साहब। नहीं यार, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी यार, है गंदी बात, ऐसी ऐसी बात नहीं करते। शर्माते हुए आप और क्यूट लग रहे हैं भैया। अरे भाई आज सच में बताओ कौन सी क्रीम लगाई है, बाप रे बाप। और ऐसा तो नहीं है, अरे आप लोगों को फिल्टर विल्टर में तो नहीं लग रहा मैं ज्यादा क्यूट? तो अभी आपको मैं अपना असली रंग दिखाता हूं, तो अब बताओ, अभी मैं नेचुरल में आ गया, सो ऐसे ठीक आ गया परमानेंट। आ बिल्कुल, अभी क्या आपको दवा लेना पड़ता है? नहीं अभी कोई दवाई नहीं लेते हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं भाई आज सच बताओ कौन सी क्रीम लगाई हो। अभिषेक भाई कोई सी भी यार, तो क्रीम प्रीम नहीं लगाता भाई, सच्ची में नहीं लगाता क्रीम प्रीम। अब आप ऐसे कह रहे हो तो फिर अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ऐसे बोलोगे तो फिर। हाँ एकदम, हाँ यार आज ना मतलब दिल खुश हो गया यार, आपने ऐसे ऐसे कमेंट कर दिए ना। अभी क्या कैसे क्योर किया सोराइसिस? जी बिल्कुल, आपने जो है डाइट से और आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, एक्सरसाइज, योगा, पेशेंस, ये सब चीज़ें की, उसके बाद हमने अपना जो है क्योर कर लिया। और बाकी आज जो आपने कमेंट किए हैं ना, जो
मतलब यहाँ मतलब जो कमेंट है, जो प्यार और जो मोहब्बत लुटा रहे हो ना आप लोग, तो ये मतलब समेटने में नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे करके करता हूँ ना, ऐसे ऐसे भी ना पाएगी, ऐसे ऐसे यूं करके यूं। इतना प्यार इतना मोहब्बत कर रहे हैं आप। विच आई वेरी ट्रीटमेंट यू फॉलो, कैसे क्योर किया सोराइसिस? जी बिल्कुल। अब मैंने ना अपना वो व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे मैं बता दूंगा। अभी तो लाइव समाप्ति की ओर चल रहा है। नहीं यार रियली स्मार्ट लग रहे, किस स्टेट से हम? नहीं यार रियली सुन, हम यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश। उस उत्तर प्रदेश में भी वेस्ट यूपी से, वेस्ट यूपी से, वेस्ट यूपी में भी अपना मेरठ। मेरठ का नाम किस किसने सुना है कमेंट में बताएं जल्दी। मेरठ को कौन कौन जानता है, कौन कौन आया है मेरठ, किस किसने मेरठ देखा है बताएं जल्दी जल्दी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। सच में डॉक्टर हेल्थ से ठीक किए थे आप? हाँ जी, मतलब डॉक्टर हेल्थ से और एक जगह से ट्रीटमेंट हो लिया था। मतलब ऐसा है, तो मेरा रोल जो है ट्रीटमेंट का ज़्यादा नहीं था, मैं आपको बताऊं, मेरा डाइट का ज़्यादा था भैया। ओ माय गॉड, विजय लक्ष्मी जी, आप यूपी में कहाँ से कैसे कांटेक्ट करें आपको भाई? हम आपको नंबर देंगे 6397864528। वन मोर क्वेश्चन भाई, आई के नीचे हल्का डार्क सर्कल कैसे रिमूव करें कंप्लीटली? ये तो आप मुझे भी बताएं। ये देखो मेरे डार्क सर्कल दिख रहे हैं। देखो यार आप पूछ रहे हो, मैं मुझे आप खुद बता दें, क्योंकि वैसे ये ना कुछ लेडीजों को ज़्यादा पता होता है, जो लेडीज होती है हमारे यहाँ ना, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर मेरा 6397864528। लेडीज को भी ना, लेडीज जो होती है, लेडीज को भी हमारे यहाँ लेडीजो बोलते हैं। लेडीजो मतलब बहुवचन हो गया, तो लेडीजो। 6 साल से हम यूपी गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। अरे आपके तो मुख्यमंत्री जी खतरनाक है, आपके तो मुख्यमंत्री जी भी गोरखपुर से है ना? मतलब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी गोरखपुर से हैं, डॉक्टर हेल्थ का ट्रीटमेंट। तो गोरखपुर से हैं आप, ओके, बहुत अच्छे। अच्छी बात पता है क्या है, कल मैं एक इज़राइल से, एक नीमा जी करके थी लाइव में, कल मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई। तो मतलब समझ रहे हो, आपका भाई जो है मतलब अब इस टाइम जो है फॉरेन वाले लोगों से भी बात कर रहा है क्या? तो हल्के में नहीं लेने का। ये क्या है, वीट की कैप्सूल लगाओ? अच्छा ओके, चलिए ये भी ट्राई करेंगे। तो मैं ये कह रहा था, मतलब आपके भाई की जो रिच है वो विदेश तक पहुंच गई है। तो कल एक मैम से मैं इसराइल में बात कर रहा था, उनकी कॉल आई थी मेरे पास। ओ माय गॉड जी, योगी जी के पड़ोसी हैं हम भैया। अरे वाह वाह वाह, तो आप तो बिल्कुल एकदम योगी जी के पड़ोसी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हमारा भी कुछ काम करवा दीजिएगा योगी जी से, उन बोल के। योगी जी से बोल के ना, एक जो है ना आयुर्वेदिक का एक हम हॉस्पिटल खुलवा देंगे सोराइसिस वालों के लिए। मैं 2 मंथ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ, पहले बहुत कम स्पोर्ट है, डॉक्टर हेल्थ से लेने के बाद बहुत ज़्यादा हो गए, कोई नहीं है टक्कर में। अजय अभिषेक जी कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले हो सकता है एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया हो, तो उसका सेपरेशन बाहर आ रहा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बढ़ते जा रहे हैं लाइव में, तो यार नितिन भाई नहीं है किसी के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, नितिन भाई नहीं है किसी के चक्कर में। अरे बाप रे बाप, पंचकर्मा लेना जरूरी है क्या? नहीं लेना भाई, पंचकर्मा नहीं लेना, नहीं लेना, लेना मत यार, मेरी बात मान लेना, बिल्कुल पंचकर्मा मत लेना। आयुर्वेद में मैं सिर्फ मेडिसिन आपको रिकमेंड करता हूँ, पंचकर्मा नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका जो है रिव्यू मुझे अच्छा नहीं लगा पंचकर्मा के बाद, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपको पंचकर्मा नहीं लेना है, ठीक है? अभी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हंस के जो चीज़ें करता हूँ ना, वो मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए करता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए सोराइसिस से और मेरी क्यूटनेस पे लग जाए।
और जो है मेरी बातों पे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, सोराइसिस से हट जाए, ट्रीटमेंट पे लग जाए और अदर चीज़ों पे लग जाए, अदर एक्टिविटीज़ पे लग जाए, सोराइसिस से डाइवर्ट हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैं आपको जो है, और फिर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो फिर मैं ना थोड़ा सा ना ब्लशिंग करने लगता हूँ। डॉक्टर हेल्थ कैसा? डॉक्टर हेल्थ ठीक है, डॉक्टर हेल्थ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो है सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ट्राई करना चाहें, मर्जी आपकी है, जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहें, लेकिन जो शिव आयुर्वेदिक संस्थान है बनारस में, एक बार आप उसकी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करें, और 1 महीना उनकी मेडिसिन खाने के बाद मुझे आप बताएं, पंचकर्मा से 80% केस ठीक नहीं होते। जी बिल्कुल सही कहा है आपने विजय लक्ष्मी जी ने। जीवा ये क्या है भाई, जीवा अभिषेक भाई, ये जीवा क्या बोल रहे हैं आप? जीवा समझ नहीं आ रहा मेरे को, जीवा बताएं आप। अभी अभी जीवा, जीवा आयुर्वेदा, नहीं मैंने इसका नाम ही नहीं सुना। एनडीएस वाले एनिमल लेना सजेस्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, एनिमा भी देखिए क्या होता है, कुछ गंदगी मेडिसिन से हमारे पेट से बाहर नहीं आ पाती है। अभी एक एनिमा को लेकर क्वेश्चन किया गया है, पेट की कुछ गंदगियां जो होती हैं वो एनिमा से बाहर नहीं आ पाती, मेडिसिन से बाहर, सॉरी मेडिसिन से बाहर नहीं आ पाती हैं, उसके लिए आप एनिमा यूज़ कर सकते हैं, है ना। दिन में एक बार एनिमा का आप इस्तेमाल करें तो जो भी पेट में गंदगी जमा है उससे वो बाहर निकाल फेंकता है, तो उससे भी आपकी पेट की सफाई होगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका मेडिसिन खाने के बाद भी फ्रेश अच्छे से नहीं हो पाते हैं वो ये काम कर सकते हैं। मैं बनारस से हूँ, जोशी आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पे है? जोशी आयुर्वेदिक संस्थान नहीं है, शिव आयुर्वेदिक संस्थान है, शिव आयुर्वेदिक संस्थान है, वहां से आप उनसे बात कीजिएगा, मैं उनका नंबर आपको अपने व्हाट्सएप पे दे दूंगा। आपने बनारस से ट्रीटमेंट लिया था क्या? भाई एक रिक्वेस्ट है जी, बताएं अभिषेक जी क्या रिक्वेस्ट है आपकी? कोई सॉन्ग सुना दो छोटा सा। एनिमा तो सेफ प्रोसेस है शायद, अगर लिमिटेड पीरियड के लिए लिया जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एनिमा सेफ प्रोसेस भी है और दूसरा उससे बेनिफिट भी है ना। अगर आप सही से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं और गंदगी जमा है पेट में और खाते हैं पूरा, आप स्टूल पास नहीं हो पाता है, तो उसमें जो है आप ये कर सकते हैं। तो ये है बिल्कुल, आप बिल्कुल सेफ प्रोसेस है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभिषेक जी ने जो है जो एक वो एक सॉन्ग सॉन्ग हो गया, मुझे आते नहीं है भाई, मैं आपको सही बताऊं सॉन्ग वगैरह आते नहीं है, नहीं आते यार। सॉन्ग की डिमांड कर रहे हैं अभिषेक जी, मैं कौन सा सॉन्ग सुनाऊं आपको? क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। आवाज मेरी थोड़ी सी ऐसी है, कैसा लगा आपको? जियो, अरे अरे ऐसे, मतलब कभी गाया नहीं है ना सॉन्ग वोंग, तो मतलब ऐसे थोड़ा सा है ना, तो वो एक मोटिवेशन सॉन्ग है, मैं इसे काफी सुनता हूँ। तो क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर। तो
तो ये ना लाइनें मुझे बड़ा मोटिवेट करती हैं कि क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तो झांक ले बस एक दफा तू दिल से अपने दिल के अंदर, दिल से बोल दे कि ठीक हो जाएंगे तो मतलब ठीक हो जाएंगे। स्वीट वॉइस ट्राई कीजिए। बस 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 इतना बहुत है भाई, फिर कभी सुना देंगे कुछ और। स्लो सॉन्ग अच्छे गा सकते हैं भैया। यार मैंने आपको मैसेज किया, रिप्लाई नहीं किया। नहीं देखिए, एक बार और आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि 25, 30, 40, 50 मैसेज तक दिन में आते हैं। मैं दिन में ऑफिस होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ, वो तो काम वाम करने होते हैं भाई, तो इस वजह से आपका रिप्लाई हो सकता है सर नहीं किया हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे एक बार और व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा अपना नाम वगैरह, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है तो जिनसे मेरे कमेंट का कोई रिप्लाई छूट जाता है या व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप की बहुत सी उम्मीदें रहती हैं मुझसे हेल्प के लिए, तो उसके लिए सीन किया होगा उसके लिए। जी, सीन किया होगा। हो सकता है मैं उस टाइम पे बिजी हूँ, कहीं मेरा बिजी शेड्यूल हो, मीटिंग में हो, मैसेज देख लिया हो और उसका रिप्लाई ना कर पाया हो, तो उसके लिए सॉरी। तो बाकी यार आप लोग नाराज हो जाओगे, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर नितिन किस काम का? नितिन का तो खेल ही खत्म है फिर, है ना? प्यार मोहब्बत आप बनाए रखते हैं तभी तो नितिन है, नितिन नितिन है, नहीं तो नितिन नितिन तो कुछ नहीं है। आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से तो हम आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं चैनल को। अभी अपने आपके भाई का जो चैनल है 3,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाला है, ये आप समझ लीजिए। अब इतने जल्दी आपके भाई का चैनल अब ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। क्या हुआ? बट थैंक्स मेरे कमेंट्स को पढ़ने के लिए। भाई आज आपने क्या फोड़ लिया, क्या फोड़ लिया मतलब मैं समझा नहीं, ये आप एक बार दोबारा बताएं क्या फोड़ लिया। ये क्या फोड़ लिया वाला सिस्टम मेरे समझ में नहीं आया, ये आप एक बार बताएंगे प्लीज। अच्छा फूड, फूड बोलो ना, क्या फूड, क्या फूड लिया? मेरा कमेंट पढ़िए। ओ मोनू कुमार जी मेरा कमेंट है। पढ़ लिया आपका कमेंट और बताएं आज क्या खाया, ऐसा बोल रहा था। ओके 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 मैं समझ गया। आज मैंने ना बस थोड़ा सा खिचड़ी होती है ना खिचड़ी, वो हल्का लिया मैं, जब खिचड़ी शाम को हल्का फुल्का या तो राइस ले लेता हूँ या जो है ना खाना भोजन। हाँ, समझ गया अभिषेक जी, मैं समझ गया अभिषेक जी। खाने भोजन में आज हमने जो है चावल लिए, राइस, केवल राइस लिए, ठीक है? उसके अलावा चपाती सब्जी कोई कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का भोजन, लाइट वेट, तभी तो इस टाइम तक मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ तक खा लेता, यहाँ तक खा लेता तो समझो मैं अभी आपसे बात कर रहा होता, मेरी आंखों में नींद आ रही होती, मैं सो जाता। बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो इसका मतलब हमने कुछ लाइट भोजन लिया है, समझ गए आप? तो रात को जागने के लिए आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कहाँ से लिया? हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर हेल्थ से, बनारस से, दो जगह से अपना ट्रीटमेंट चला। ठीक है, और अपने चैनल पे एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अपने चैनल पे ना बहुत जल्दी 100-150 शायद रह रहे हैं, 100-150 के आसपास, 120-130 लोग और रह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अपने चैनल 3,000 क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि आपका अपना चैनल 3,000 ऑडियंस को क्रॉस कर जाएगा, 3,000 फैमिली मेंबर को क्रॉस कर जाएगा। अभी जो लोग नए जुड़े हैं वो थोड़े से या तो लेट हो गए हैं, फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना धीरे 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 कमेंट कम हो रहे हैं, या तो कमेंट करते रहिएगा नहीं तो फिर मुझे नींद आ जाएगी। मेरे को 2.5 साल से बीमारी है, कब तक ठीक होगी? इसकी वजह से मैं कहीं घूमने भी नहीं जाता। अरे कोई दिक्कत नहीं है, घूमो मजे में यार। भाई मेरे को अपने चैनल पर काम
अभिषेक जी कह रहे हैं भाई मेरे को अपने चैनल पे काम दे दो। अरे भाई कमाल हो यार। स्केप्सोलिसिस चैनल पे काम नहीं यार, चैनल आप लोगों का है। चैनल पे काम क्या क्या मतलब होता है भाई? है चैनल पे काम का क्या मतलब होता है? चैनल ही आप लोगों का है यार। मैं खुद आपके चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। कमाल करते हो भाई। अभिषेक जी कह रहे हैं अपने चैनल पे हमें काम दे दो। भाई मैं ये तो चैनल ही आप लोगों का है, मैं तो खुद आपके लिए काम कर रहा हूँ यार। देखो अब जो है भाई, अब लाइव में जो है ना लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब सो ही लीजिए। देखिए मैम मेरी गलती नहीं है, अब मैं जब से जाग रहा था अभी देखो 19 लोग लाइव हो गए हैं। तो अब अगर जो अभी लोग आए हैं ना, जी जी गुड नाइट, आप थोड़ा आराम कीजिए, अभी कुछ लोग आए हैं, असिस्टेंट बना लो। अरे हम खुद आपके असिस्टेंट हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये तो प्यार मोहब्बत है आपकी जो आप ऐसा बोलते हो। नहीं तो जी, गुड नाइट, जो गुड नाइट कहना चाह रहे हैं गुड नाइट कह सकते हैं, बाकी जो है अपने लोग जो अभी बातें करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। नितिन आपके लिए हाजिर है ना? अभी 10-5 मिनट हूँ मैं और आप बात कर सकते हैं। स्कैप्सोराइसिस मुकेश अग्रवाल जी, हाय डॉक्टर, हेल्थ क्यों चेंज किया था प्लीज़ बताएं। देखिए रिलीफ जो मिला था मुझे, ट्रीटमेंट डॉक्टर हेल्थ का जब चल रहा था वो रिलीफ मुझे तब मिला था, मेरा जो क्योर हुआ था मतलब बदला था, मतलब इन द सेंस मैंने पहले जो है बनारस का ट्रीटमेंट लिया था। मैं अच्छा हुआ हूँ सोराइसिस से जी। आप अच्छे हुए हैं तो बिल्कुल आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कैसे अच्छे हुए। मेरा मैसेज सीन किया था तो मेरे को लगा थोड़ा एटीट्यूड होगा। अरे यार तो अभी दिख रहा है आपको एटीट्यूड? एटीट्यूड किंग हूँ क्या मैं? नहीं यार भाई, आपका एटीट्यूड किंग कब से हो गया भाई? अभी क्या लग रहा है आपको, अभी कितना एटीट्यूड है मेरे में, कितना एटीट्यूड है, क्या लगता है आपको? मैंने डाइट किया जी मुकेश अग्रवाल जी, जी, डाइट से ही अभी तो सिंपल, अच्छा सिंपल ही है भाई, कहाँ से हैं आप हमें बताएं। सिंपल ही है वो, ऐसा कोई नहीं है। मैं 3 मंथ से अच्छा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप अच्छे हैं। डॉक्टर हेल्थ से ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं, जी, बिल्कुल मंगा सकते हैं। डॉक्टर हेल्थ से बनारस से ट्रीटमेंट एक साथ लिया जा सकता है क्योंकि डॉक्टर हेल्थ से ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। नहीं डॉक्टर हेल्थ की अगर मेडिसिन आपकी बची हुई है तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद शिव आयुर्वेदिक संस्थान बनारस से आप तो खुद विजिट करके उनसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6397864528। आपका भाई जो भी आपको रिकमेंड करेगा, जो भी सजेस्ट करेगा वो बेहतरीन चीज़ करेगा, छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करेगा। मैंने मैंने फ्रूट्स ही खाया, जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं MP से हूँ। ओके वो एक वीडियो है ना, आपका नाम MP सर, कहाँ से हैं आप? MP सर, कहाँ नौकरी करनी? MP सर, वो वाली वीडियो वो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने डिनर खाना कम किया। ओके हाँ, बिल्कुल डाइट से ही आप सही हो, हाँ मैंने देखा है। हाँ वही वही तो मैं वही कह रहा था, MP वाला है ना, ठीक है। स्कैल्प सोराइसिस का क्या ट्रीटमेंट है? जो सेम देखिए जो मेडिसिन होती है सेम, जो उसी की मेडिसिन होती है सेम वही मेडिसिन उसमें होती है। 23 लोग जुड़ गए हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपका डाउट है जो भी आपका क्वेश्चन है जल्दी कमेंट में करें, हम बिल्कुल जल्दी से आपके क्वेश्चन को कवर करते हैं। अपने कमेंट को बताएं, एक भी कमेंट ऐसा नहीं गया जो मैंने रीड करके उसका रिप्लाई नहीं किया हो, तो आप भी अगर कुछ करना चाहते तो करें। फेस पे सोराइसिस हो गया है तो क्या करें? ओके फेस पे सोराइसिस हो गया तो ट्रीटमेंट आपको जो भी चल रहा है वही आपको फॉलो करना है, अलग से फेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई ऑइंटमेंट नहीं होता है, सेम जो है मेडिसिन आपको लेनी होती है भैया। सोराइसिस अच्छा होता है, डेली योगा करो जी, ये पॉइंट की बात है भाई, आपकी वॉइस जस्सी गिल जैसी है। ओके मुझे लग रहा है सुबह को मैं उठने वाला नहीं हूँ भाई,
ये कह रहे हैं मेरी जो वॉइस है वो जस्सी गिल जैसी, जस्सी गिल जैसी है। होम्योपैथ भी ठीक है, उसका भी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अभिषेक जी ये जस्सी गिल वही है ना जो, कौन सा जस्सी गिल, जस्सी गिल कौन है? जस्सी गिल सिंगर है क्या? आफ्टर ड्यूटी विल, ये तो मैसेज चला गया लक्ष्मी पटेल जी का। और किसी का कोई डाउट? हूँ जागे रहो हमारे साथ, बैठे बैठे बातें करते रहो, नींद नहीं आई। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमको भाई ऑफिस भी जाना होता है सुबह को। तो भैया डेली मॉर्निंग एंड नाइट 1 आवर वॉकिंग करो। हाँ बिल्कुल, 1 नंबर। हाँ सिंगर, हाँ सिंगर है जस्सी गिल वो तो। हाँ तो मेरी वॉइस मतलब अच्छी है, आपको अच्छी लगती है वॉइस मेरी? वीडियो में मेरी वॉइस कैसी रहती है, आपको कैसी लगती है वॉइस थोड़ा बताएं? मतलब सही है सुनने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, फंबलिंग तो नहीं करता, या कोई जो है कंफ्यूजन तो नहीं होता मेरी वॉइस में आपको? मतलब वॉइस क्वालिटी ठीक रहती है मेरी वीडियो में या नहीं, थोड़ा सा बताएं। टकाटक शानदार टकाटक शानदार बोले। अच्छा अच्छा चलिए चलिए, और किसी का को कोई कमेंट? फिर हम जो है ना, फिर हम करते हैं। अभी 23 लोग जुड़ गए यार, अब मैं इतने मतलब 22-23 लोगों को छोड़ के यार ऐसे कैसे जा सकता हूँ मैं? गुड नाइट पूजा जी, गुड नाइट भैया, डेली वार्म वाटर 12 गिलास लो। बिल्कुल मुकेश जी के कमेंट जिस जिसने देखे हैं वो सारे फॉलो करें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ बता रहे हैं। अपना सोराइसिस क्योर करके बैठे हैं डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से, ठीक है? बहुत बेहतरीन चीज आपको बता रहे हैं मुकेश जी, हैट्स ऑफ सर, कमाल की चीज। यही आपको फॉलो करेंगे, यही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, यही आपको रिजल्ट देंगी, ठीक है? तो कितने लोग चाहते हैं कि ये लाइव डेली आए? डेली आना चाहिए, आप और हम डिस्कस करें, मतलब थोड़ा एंजॉय करें, मस्त एंजॉय, एकदम चिल, एकदम चिल आउट है। थोड़ा सा आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा, मेरे साथ जुड़ेंगे, बातें करेंगे, हल्का फुल्का माइंड होगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये मतलब डेली, मतलब पिछले 3-4 दिन से तो मैं डेली आ रहा हूँ, 9 बजे, कल शायद लेट हो गया था थोड़ा सा, बाकी डेली ही कर रहे हैं हम लोग। तो आगे कितना कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब रोज कभी ना कभी जब भी टाइम मिल गया, मतलब डेली? भैया रात में मैं, अच्छा 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 जी, जितने लोग चाहते हैं डेली डेली हम लोग लाइव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ तो आप मुझे रिमाइंड कराएंगे, भैया लाइव आओ लाइव आओ लाइव आओ, है ना? तो लाइव आ जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ मुझे कमेंट में, वीडियो में बता दिया करो लाइव, जिसको भी डेली क्लास LTY ब्रो कह रहे हैं डेली क्लास लगा लो। भाई इतना बड़ा मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यार, मैं इतना बड़ा मतलब मुझे मत बनाओ यार, है ना? तो हल्का फुल्का रहने दो। तो वो एक शेर है ना पॉपुलर मेरिटी का, के वो लाइन है उसकी शेर की, के मैं हूं जिस हाल में है मेरे सनम रहने दे। तो पॉपुलर मेरिठी जी की लाइन है कि मैं हूं जिस हाल में है मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथ में कलम रहने दे, और मैं शायर हूं मेरा दिल बहुत नाजुक, मैं शायर हूं मेरा दिल बहुत नाजुक, मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा बम रहने दे। तो मैं पटाखे से ही मर जाऊंगा भाई, बम रहने दो। तो हमारे पॉपुलर मेटी साहब हैं, बहुत अच्छा मतलब हास्य जो है ना पोइट है, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनकी कविताएं, उनके शेर शायरी मुझे काफ़ी पसंद है, तो बहुत बढ़िया लिखते हैं वो। आपको कैसी लगी शायरी? वाह 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 अरे ऐसी इंजॉय, मस्त एकदम भैया। हाँ कोकोनट वाटर, ये बात 21 लोगों ने लाइक कर दिया है, अभी 16 लोग जो लाइव हैं, इन्होंने अगर लाइक
कच्चा नारियल खाओ। बिल्कुल एकदम बढ़िया मुकेश जी, आप प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे, आप मेरे जो है ना टेलीग्राम लिंक को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हम लोगों के या और भी जितने भी सोराइसिस पेशेंट हैं उनके काफ़ी काम आ सकता है। यू आर एक्सीलेंट, कीप इट अप। 1369 मतलब 1369th का मतलब नहीं समझे हम। ओके ओके ओके, अब धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, मुझे लग रहा है लोगों को नींद आ रही है। अब ये अब जैसे 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 है ना काउंट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे अब थोड़ा ना मुझे भी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर ना जब आप ज़्यादा लोग जुड़े रहते हो तो फिर एनर्जी सी रहती है एकदम मस्त। 20-21 लोग जुड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है मतलब जैसे एक क्लास चल रही है। यस सर, थैंक्स फॉर। जी, बिल्कुल। आप ना मेरा डाटा ख़त्म हो गया है, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा। जी बिल्कुल सही बात है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने 2 GB पूरा निपटा दिया होगा दिन में, अभी आपका ख़त्म होने वाला होगा है ना। 2 GB वाला कराते होंगे या हाँ 2 GB वाला कराते होंगे या 1.5 GB वाला, अपन भी 1.5 GB वाला कराते हैं। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा दोनों दोनों अपने सिम पे कराना पड़ता है ना, तो वीडियो भी अपलोड करनी होती है, आपके साथ लाइव भी आना होता है, तो 1.5 1.5 GB दोनों, तो 3 GB खलास। हाँ लगता है यार, डेटा तो लगता है ना, तो अभी जो जो जा रहे हैं उनके जिनके डेटे ख़त्म हो रहे हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम है, बाकी जो है मस्त। और मुकेश जी से निवेदन है, हाँ 2 GB वाला बिल्कुल, अरे हम बता देते हैं इतना तो एक्सपीरियंस है हमें भैया, सोराइसिस भी शुगर जैसा बीमारी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकेश जी, मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का 6397864528, ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे हाई लिख के भेजिएगा, क्योंकि जो भी सोराइसिस पेशेंट है वो जो अपने सोराइसिस को रिकवर कर रहे हैं होम रेमेडी से, डाइट से, योगा से, एक्सरसाइज से या किसी भी ट्रीटमेंट से फॉलो करके जिन्होंने अपने सोराइसिस को क्योर कर लिया, मेरी तरह आप भी उसी कैटेगरी में हैं, तो उनका मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है हाई लिख के भेजिए, आपकी हमारी कन्वर्सेशन होगी तो जो भी लोग परेशान हैं हम उनकी कुछ मिलके हेल्प कर सकें। और मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि आपको जो भी रिलीफ मिल रहा है, जो भी आपको आराम लग रहा है, वो आगे जो है ना रिलीफ मिले लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम तक हमें हमें जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ें आगे तक जाएँ, आगे भी लोगों को फ़ायदा हो ऐसा हम चाहते हैं। तो ये कम फिक्स डेट लाइक, मैं अभी भी नहीं समझा कम फिक्स डेट, तो मुझे कल आप डाइट चार्ट सेंड कर दोगे क्या? हाँ बिल्कुल कर देंगे, आप ना एक बार और मुझे मैसेज डालना कि मैं रात वाला बंदा हूँ, LTY ब्रो, LTY ब्रो करके डालना तो मैं समझूंगा। सर नंबर सेंड करो, सर नंबर आप लिख लीजिए प्लीज़, 6397864528। जी तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपने फेस किया है, क्या आपकी जर्नी रही है, थोड़ा सा आप मुझे व्हाट्सएप पे आप रिटेन में आप मुझे लिख के दे देंगे तो मैं आपसे भी थोड़ा ऑब्जर्व करके लोगों को चीज़ें शेयर कर दूंगा, ताकि लोगों को हेल्प हो सके हमारे और आपके दोनों के एक्सपीरियंस से, या और भी जैसे लोगों को थोड़ा रिकवर किस तरीके से कर पा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करके चल रहे हैं, कि कैसे अपने सोराइसिस को उन्होंने रोका हुआ है, लगाम पकड़े हुए हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ऐसे क्या एक्सपीरियंस है लोगों के, वो मैं लोगों के साथ ताकि शेयर कर सकूँ। तो मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी जो है एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ, और व्हाट्सएप पर भी आप हमें शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप देते रहें। अभी जो चाहते हैं कि अभी इस लाइव को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाए, तो प्लीज़ आप सर एक बार बोलिए नंबर 6397864528, 6397864528। जी, अभी क्या है, अभी लाइव 1.5 घंटे का होने जा रहा है, ठीक है, तो अभी फाइनली जिसका कोई लास्ट अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो प्लीज़ इसको जो है कमेंट में मुझे बता दें,
बाकी जो है मैं कल हम कंटिन्यू करेंगे लाइव 9 बजे, 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे, जब भी समय मिलेगा आपका भाई आपके लिए हाजिर है लाइव। ठीक है, तो लाइव आने का फ़ायदा ये है कि जो भी लोग आते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो लाइव चैट में ही आपको पता चल जाता है कि कैसे क्या किस तरीके से हम जो है ना हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे अभी जो है अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए और थम्स अप करके मुझे बताइए, गुड नाइट बोलिए आप सारे के सारे मुझे, और फिर मैं आप सबको गुड नाइट बोलता हूँ और फिर हम चलते हैं बिस्तर की ओर, और मस्त आंखें बंद करके सिर्फ सुबह को आंखें खोलिएगा, ये तो 2 और बढ़ गए। चलिए अभी आप मुझे सब गुड नाइट बोल दीजिए, मैं भी आपको गुड नाइट बोलता हूँ, शुभ रात्रि बोलता हूँ, है ना। जिस किसी का भी कोई डाउट हो वो आप हमें कल शेयर करें, ठीक है। बाकी जो भी किसी की और हमें हेल्प करनी होगी वो हम कल करेंगे, किसी भी विषय में जो भी जानकारी लेने। जी गुड नाइट ऑल, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लाइव चैट फॉर मंथ 5th, 10th, 15th, 20। जी, ओके गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। सोरायसिस क्योर होता है ना सर? बिल्कुल क्योर होता है, डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कल के आप लाइव में जरूर आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप करें, बेल आइकन दबाएं, घंटा दबा दें घंटा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियो का, और जल्दी से जल्दी अपने भाई को, चैनल को, अपने चैनल को 3,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, फिर 4,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, फिर 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाएं, फिर 50,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, क्योंकि हमें 12 करोड़ सोराइसिस पेशेंट को ना ठीक करना है ना। 1 करोड़ मैंने इसलिए बोला, जब 1 करोड़ का जो ना सैलाब आएगा ना, तो फिर 12 करोड़ लोगों को हम ठीक कर देंगे, है ना। एक जब 1 करोड़ सोराइसिस के लोग हमसे जुड़ जाएंगे ठीक होने के बाद, तो वो अपने एक्सपीरियंस से, डाइट से, मोटिवेशन से, कॉन्फिडेंस से 12 करोड़ लोगों को ठीक करेंगे, जो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो एक के हाथ में सिर्फ 12 लोग आएंगे, एक के पास सिर्फ 12 लोगों की जिम्मेदारी होगी। इस चैनल का टारगेट 1 करोड़ सब्सक्राइबर है ना, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, डोंट वरी। आप ऐसे प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा, 1 करोड़ क्या 2 करोड़ भी होंगे, टेंशन लेने का नहीं, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। 1 करोड़ सब्सक्राइबर होंगे तो होंगे, और आप कराएंगे, अपने को नहीं पता कैसे कराने हैं, ठीक है। तो ये लाइव करते हैं यहाँ पे समाप्त, ओके। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं आपसे कल एक नए लाइव में, या फिर आपको वीडियो में, 5 बजे हमारी वीडियो की कोशिश रहती है, 5 बजे वीडियो डाल दी जाए, कभी कभी इमरजेंसी में वीडियो नहीं आती है, हालांकि हमारा प्रयास रहता है कि रोज़ एक वीडियो डाली जाए और आपके साथ लाइव जुड़ा जाए। तो इस लाइव को यहीं पे करते हैं समाप्त, सबके लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, हैव ए स्वीट ड्रीम, अच्छे सपनों के साथ सोएं, अच्छी उम्मीदें, अच्छी आशाओं के साथ सुबह उठें, और अच्छे रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।